मॉर्निंग, योर बॉय एक्स वाला सनी इज कमिंग अप विद अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। सीन कुछ यूं है कि मेमोरियल डे का लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और इस मेमोरियल डे के वीकेंड को मेमोरेबल बनाने के लिए आपका बॉय एक मरतबा फिर मैदान में आ चुका है। तो अभी मैं एक लॉन्ग ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। इस टाइम मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है और मैं मेट्रो नॉर्थ ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ। वहाँ जा कर ट्रेन पकड़ के मैं न्यूयॉर्क जाऊँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं वहाँ जा कर और फिर आपको आगे बताते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ ट्रिप करने। ट्रिप की प्रिपरेशन सब हो चुकी है, मैं भी यहाँ पे निकल रहा हूँ। एक फ्रेंड मुझे आ रहा है पिक करने, वो मुझे मेट्रो नॉर्थ पे ड्रॉप करेगा और फिर मैं वहाँ से आगे इंशाल्लाह निकलूँगा। यहाँ पर जो लॉन्ग वीकेंड है यूएस में, यहाँ हर कोई ट्रैवल कर रहा होता है क्योंकि नॉर्मल डेज में सबके बड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा होता है। टिकट परचेज करने लगा हूँ। Street, waiting for my bus that will take me to LaGuardia Airport. LaGuardia Airport पे पहुंच गया हूँ जी। यहाँ से अभी मुझे फ्लाइट लेनी है और फिर आगे। वो टाइट भूख लगी हुई है क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है और अभी अराउंड 5:30 हो रहे हैं। सैंडविच ऑर्डर किया है तो अभी बस मैं ये खाता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ कि आगे का मेरा क्या प्लान है। सैंडविच की ये बाइट में लगाऊँ। ओए होए 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 यार, मज़ा आ गया। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ लगाड़िया एयरपोर्ट पर और अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आपका भाई इस बार मियामी ट्रैवल कर रहा है, फ्लोरिडा जा रहा है। बीइंग अ ट्रैवल एंथूजियास्ट, my three top most destination which I badly wants to explore and visit in the United States are New York, Miami, Vegas and the California. So alhamdulillah, Allah ka shukar hai ki aaj Miami ke liye main travel kar raha hu. Isme aap logo ko to lagta hai ki bas yahan jo US mein reh rahe hote hai wo aishi ki life guzar rahe hote hai, lekin iske liye ek badi struggle hai. Living an American dream is not as easy as it seems to be. You really have to work hard and आपको अपनी ऐस रगवानी पड़ती है, तब जाके आप अपनी मनपसंद जगह घूम सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बात कुछ सीरियस हो रही है, मैं अभी अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ और टाइम तो पास करना है मुझे, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी आपको एडवाइस कर लें। सो फॉर मोर दिस काइंड ऑफ वीडियो जस्ट लाइक सब्सक्राइब योर बॉय एक्स वाला सनी एंड आपको फिर मियामी जा के दिखाते हैं। हाँ बॉय, फाइनली तू पहुंच ही गया है। इतना डिले करा दिया, ये हालत टाइट है यार। मैं सुबह दोपहर 2 बजे का एयरपोर्ट पर, 5 घंटे यार डिले और ये तेरी फ्लाइट। अभी यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है? 3:15। मैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरी नाइट शिफ्ट लग रही है। मैं अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। थैंक यू सो मच। चल भाई, अपने दरी वाला हेड पहन ले। ये आई गाड़ी, हमारी गाड़ी आ चुकी है, बस अभी हम सनराइज देखने के लिए जा रहे हैं। बॉय हेलो, कैसे हैं आप सब? आप लोगों को आए फ्लोरिडा की सैर करवाते हैं। फिलहाल तो नींद से हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी विल जस्ट गो रेडी हो चाओ। सारी रात तो यार हमारी ये फ्लाइट डिलेज में निकल गई है। चलो फाइनली हमने गाड़ी ले ली है। बड़ा ज़बरदस्त है, पाम ट्रीज चस करवा रहे हैं भाई। तो ये जब दिन में आएंगे ना यहाँ पे, असल मज़ा तभी आएगा। ओए 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 यार। बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम लोग फाइनली अपने आ गए हैं। इसे बोलते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट।
स्टेज एयरबीएनबी की तरह होते हैं, लेकिन ये बड़ा एक ओल्ड स्कूल सिस्टम है, इसे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट बोलते हैं, जिसमें लोग सेम एयरबीएनबी की तरह अपने घर में जगह बनाते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सी व्यूज़ इधर से भी दिखा देता हूँ। बड़ा एक फ्लोरिडा के जैसे टिपिकल घर हैं उस तरह का है। तो हमने कहा कि सिर्फ सिंगर होटल वाइन आर थोड़ा सा एक लोकल शशका लेते हैं। तो ये है, ये घर है बेसिकली, और ये इन लोगों ने बैक हेड बड़ा ज़बरदस्त सजाया हुआ। इन्होंने यहाँ पे उन्होंने, अब अगर हम देखें तो ये बाकी जगहें भी साथ कनेक्टेड हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हम पाकिस्तान में कोई कैंट के घर में आए हुए हैं, ऐसी भी फीलिंग आ रही है थोड़ी। डीएचए का घर लग रहा है ये। तो इन्होंने साथ ज़बरदस्त लाइटिंग लगाई हुई है, छोटे छोटे दरख्त हैं। ये हमारे बड़े बड़े सनीम भाई हैं माशाल्लाह, इधर से भी दिखाते हैं। अभी तो यहाँ बिल्कुल अभी फजर हुई है, ज़्यादा हम शोर नहीं कर सकते, लोग सो रहे होंगे। तो हम आपको दिखाते हैं, ये एंट्रेंस है हमारी। इसका मैं ज़रा पहले, ये इसके ऊपर कीपैड है, कीपैड पे मैंने कोड लगा दिया। स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट है, ये हमारी एंट्रेंस है। तो घुसते ही यहाँ पे डाइनिंग रूम है, और ये एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ उन्होंने, बेसिकली घर है किसी का। तो इन्होंने सारे कमरे, जैसे नंबर 2 भी इसमें कोई रह रहा होगा, हम लोग का नंबर 5 है, तो वी विल गो अपस्टेयर्स। हम आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। थोड़ा सा गॉथिक थीम नहीं लग रहा घर का? स्मेल बड़ी प्यारी है। इन्होंने ऊपर भी एक लिविंग एरिया बनाया हुआ है। इस डब्बे में उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, इस डब्बे में उन्होंने चाबियाँ रखी थी। तो अली भाई चाबी ने ज़रा खोलो, इससे हमारा रूम नंबर 5 है। हमारा कमरा है, तो ये टीवी लगा हुआ है, ये हमारा बेड सेट बना हुआ है, ये वही खिड़की है जो हमने आपको दिखाया था, पहले नीचे वो है। ये हमारा बाथरूम है सनी भाई, ये दो लड़कों के लिए कुछ ज़्यादा रोमांटिक नहीं है ये? ये दो रोज़ भी इन्होंने लगाए हुए हैं, ये शीशा है, फुल बॉडी मिरर भी नीचे वहाँ लगा हुआ है, और ये जकूजी टब भी है, जिसमें सनी भाई आप ही अपना करना हिसाब इधर आने का। तो ये है सब।